जी, ये प्रेस वार्ता एक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य से रखी गई है। 30 जुलाई शनिवार को अजमेर में एक शिक्षा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अजमेर के पूरे जिले के सभी प्रधानाध्यापक, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के, आरबीएससी स्कूल के, सीबीएसई स्कूल के, इन सबको बतौर गेस्ट निमंत्रण दिया जा रहा है और वो पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, और उनके शिक्षण संस्थाओं के संचालकों को भी, और इसमें उनसे रूबरू होंगे अजमेर के शिक्षा और परीक्षा के 4 संस्थान हैं उनके प्रतिनिधि। अजमेर की सबसे खूबसूरत बात यही है कि शिक्षा और परीक्षा के 4 बड़े संस्थान एक ही शहर में मौजूद हैं, एक मंच पर लाने का इस कार्यक्रम में प्रयास है, जिसमें आरपीएससी, सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी यहाँ के प्रतिनिधि होंगे, और वो बात करेंगे अजमेर जिले के सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षण संस्थानों के संचालकों से। इसका उद्देश्य रखा गया है कि कोविड के बाद, कोविड एक कहानी नहीं निकल करके आई जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई तो शिक्षा क्षेत्र में पहुँचाई। बदल गई बच्चों की, और अब स्कूल्स, ये पहला सत्र है कोविड के बाद कि क्यों ना इनको एक ही मंच पर इसके जवाब मिले, तो इसके लिए सभी प्रधानाध्यापकों को एक कार्यक्रम में न्योता दिया गया, और शिक्षा से और परीक्षा से जुड़े हुए सभी बड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों को वहां पर बुलाया गया। पैनल मेंबर्स रहेंगे आरपीएससी के पूर्वाध्यक्ष एसएस राठौड़ साहब एज ए चीफ गेस्ट, और इसके अतिरिक्त प्रिविलेज्ड गेस्ट में और बाकी पैनल मेंबर्स में सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी से प्रतिनिधि रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, सीबीएसई से श्रीमती सतपाल कौर मैम को इनवाइट किया गया है, और राजीव शर्मा साहब को इनवाइट किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीबीएसई से, और एनसीईआरटी से प्रोफेसर एसवी शर्मा और राजेश मिश्रा जी, डीन एनसीईआरटी और रीजनल ऑफिस, और इसके साथ साथ निमंत्रण दिया गया है।